इंसान वो है जो इंसानियत के लिए जीता है और इंसानियत के लिए मरता है। चलो तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हेलो 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 टू एवरीवन, हैप्पी मॉर्निंग। तो लो जी, हमारी मॉर्निंग तो शुरू हो गई है, 4 बज चुके हैं और ये हो गया है हमारा शुरू आज का रूटीन। तो मैंने सबसे पहले कर लिया है अपनी बेड टाइम स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले मैं बेड टाइम स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, उठकर थोड़ा सा वार्म अप हो लेती हूँ ताकि आगे के काम मैं विद एनर्जी कर सकूं। तो आप भी ये कर सकते हैं। तो फाइनली 4 बज चुके हैं, हमारा रूटीन यहीं से शुरू हो जाता है। तो चलो हो जाते हैं फ्रेशनअप। तो अब मैं हो जाऊंगी फ्रेशनअप। तो सबसे पहले मैं आपको अभी का व्यू दिखा देती हूं, क्योंकि फाइनली ठंडी तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है और अब गर्मियां ही आ गई हैं, समझो आप। तो व्यू कुछ ऐसा था, ज़्यादा अच्छे से आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा थोड़ा धुंधला हो रखा था। अब मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ। तो अभी मेरे पीरियड्स टाइम चल रहे हैं, आज मेरा सेकेंड डे है पीरियड्स का। तो इट्स टाइम मेनली ये होता है कि क्रैम्पिंग वगैरह की दिक्कत मुझे भी होती है, बट इसके लिए मैं कुछ अपने तरफ से चीज़ें करती हूँ। अगर आपको वो जानना है तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताएँ। उसके बाद मैं चली ब्रशिंग करने। ब्रश करते करते ही थोड़ा खुद को निहार लिया मैंने मिरर में, और उसके बाद कर ली थोड़ी सी अपनी मसाज, क्योंकि मुझे उठते ही मेरे बाल इतने फंस चुके होते हैं कि उन्हें मुझे सिक्योर करना होता है। उसके बाद मुझे सुबह थोड़ी छोटी सी भूख लगती है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खाने वाली हूँ अनार। तो जो अनार रखे हुए थे मैं मार्केट से मैंने लेकर आए थे, वो मैंने छीलने के लिए रख दिए, और पी रही हूँ थोड़ा नींबू पानी क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी। वार्म वाटर पीना चाहिए बट मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाई आज वार्म वाटर पीने के लिए। उसके बाद मैं छीलने लगी अनार को क्योंकि थोड़ी सी भूख लग रही है। तो उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा पेट पूजा भी हो जाएगा सुबह सुबह से। अगर आप रात भर ना खाते रहो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सुबह सुबह भूख लगने लगती है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप लाइट चीज़ें खाएँ, फ्रूट्स वगैरह। उसके बाद तड़ा, मेरा अनार भी हो गया है रेडी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो चलिए अब चलते हैं पढ़ाई की ओर। तो कोचिंग में मेरा अभी सब्जेक्ट चल रहा है छत्तीसगढ़ का, और डेली बेसिस पे मुझे रिवीजन करने होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो वही मैं अभी कर रही हूँ। तो अभी मैं जो प्रीवियस क्लास थे तो उसके नोट्स मैं पढ़ ले रही हूँ, बाई बुक पढ़ रही हूँ, ताकि जो भी क्वेश्चन सेशन आंसर हो उसका मैं जवाब दे सकूं। जब भी कोई Q&A सेशन अगर होता है क्लास में, अगर आप कोई भी टाइप के स्टूडेंट हो तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसका आंसर कर सको, क्योंकि इससे क्या होता है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, बोलने का भी आप में कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि ये मेरे साथ बहुत हुआ है कि चीज़ें मुझे पता रहती हैं पर मैं नहीं बोल पाती हूँ, स्टिल ये होता है, बट मैं उस चीज़ से ओवरकम करने का कोशिश कर रही हूँ। तो मैं आपसे भी सजेस्ट करती हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आप टीचर को बोलिए, वो खा नहीं जाएंगे। उसके बाद जो मेरे नोट्स बचे हुए हैं, नोट्स बनाने होते हैं कुछ एडिशनल, उतना ही काफ़ी नहीं है जो आपने कोचिंग में पढ़ लिया, इधर आपने स्कूल में पढ़ लिया। आप उससे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके चीज़ें कर सकते हो। आप अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूरी है। ये हमारे टीचर्स भी बोलते हैं, जो कोच भी होते हैं जो आपको कोचिंग कराते हैं ये भी बोलते हैं। तो फिर नाउ मैं रेडी हो रही हूँ वही सब नोट्स अपने तैयार करने के लिए। कुछ बुक से मैंने मटेरियल ले लिए हैं, कुछ मैं गूगल से मटेरियल ले लेती हूँ, और बाकी जो मुझे नहीं सूझता तो मैं ऐसा करती हूँ कि खुद के भी सेल्फ नोट्स पढ़ती हूँ, और साथ में मेरे साथ जैसे कि मेरी रूममेट है या फिर फ्रेंड्स हैं उनके भी नोट्स मैं पढ़ लेती हूँ और चीज़ें ऐड ऑन कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद ये बेनिफिशियल इसलिए भी होता है ताकि आपकी राइटिंग जो होती है वो बढ़े। तो उसके बारे में मैं वीडियो शेयर करूँगी जल्दी कि आप कैसे अपनी राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये मेरी अननोइंग थिंग बहुत ज़्यादा है कि लिखते लिखते मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं चीज़ें गिरा देती हूँ, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको अभी वो क्लिप में दिख जाएगा, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं ध्यान देकर पढ़ने लगती हूँ ना, चीज़ें मैं गिरा देती हूँ। देख सी मैंने गिरा दिया, और ये मुझे बहुत अननोइंग लगता है अपना। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको शो भी करूँगी कि मेरे प्रीवियस राइटिंग और अभी में कितना फ़र्क होने लगा है। एंड प्लीज़ नोट्स में कलरफुल चीज़ें आप यूज़ कीजिए, इससे क्या होता है कि आपका नोट्स सब अच्छा दिखता है तो आपको पढ़ने में भी सही लगता है।
तो मेरा एक स्लॉट कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ अपने आगे का रूटीन करने, क्योंकि फाइनली क्लासेस भी जानी है। थोड़ा सा आराम करने के बाद, थोड़ा आपको निहारने के बाद, फिर मैं चलूँगी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने। काफ़ी टाइम की सिटिंग हो गई थी। ये देखिए मॉर्निंग व्यू, धूप निकल आई है। लगभग 7 AM हो गया है। पूरे 1 आवर में ब्रेकफास्ट, नहाना धोना करके हमको क्लासेस के लिए निकलना होता है। तो थोड़ा मैंने खुद को वार्म अप कर लिया, लाइट से एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी अपने हेयर्स को सिक्योर कर लिया। अब मैं चली हूँ टड़ा नहाने के लिए, क्योंकि अभी के लिए यही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो मुझे काफ़ी टाइम की सेटिंग के बाद थोड़ा सा लेजीनेस होने लगा था। तो चलिए मैं नहाने, और आज मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ पिंक एंड येलो की। इसका गेट रेडी विथ मी मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद मैं फॉलो करूँगी अपना स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर रूटीन से क्या होता है, मुझे एक अलग सी हैप्पीनेस मिलती है। ये मेरा अलग पार्ट है, मतलब रूल ऑफ लाइफ। उसके बाद मैं अलग अप्लाई करूँगी सनस्क्रीन। कुछ दिन बाद मेरे यहाँ शादी है, तो उसके लिए भी मुझे प्रेप होना है। अगर आपको उस टाइम का ही ब्लॉग देखना है तो ज़रूर बताइएगा। फिर मैं लगा लूँगी एक प्यारा सा टिंटेड लिप बाम। टडा, नाउ आई एम रेडी। तो ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, मेरे बाल थोड़े मेस्ड अप हैं, बिकॉज कर्ली हेयर है ना, तो मैं कॉम तो नहीं करती, फिर भी आई थिंक मैं अच्छी लग रही हूँ। तो अब मैं पूरी तरह रेडी हूँ। उसके बाद का मेरा काम होता है बैग पैक करने का। ये तो वैसे मैं रात में ही हो जाना चाहिए, बट पढ़ने के लिए मैं पढ़ते टाइम भूल गई थी रात में। तो अब जितने भी आज के मुझे ज़रूरत है, जो अभी की क्लासेस में मुझे ज़रूरत है, चीज़ें मैं रख लूँगी। जितने भी पेन्स हैं मेरे, जो कंपास बॉक्स में चीज़ें मुझे लगने वाली हैं, वो सारी चीज़ें मैं रख लूँगी अपने बैग में। क्योंकि इसके बाद 2 क्लास के बाद ही पूरा क्लास ओवर होगा उसके बाद, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें अच्छे से याद करके रख लूँगी। क्योंकि अभी मेरे पीरियड टाइम भी है, तो मैंने सारे पीरियड एसेंशियल चीज़ें भी अपने साथ रख ली। अब आया टाइम ब्रेकफास्ट का, तो टाइम बहुत कम बच गया था, हम क्लासेस के लिए लेट हो जाते। तो वी आर डिसाइडेड कि हम अभी भी फ्रूट्स खाएंगे। तो और भी फ्रूट्स थे मेरे पास, तो मैंने सबको ले लिया और सबको मैंने छील भी लिया। और रात की एक रोटी बची थी, तो खाना फेंकना नहीं चाहिए, वो फ्रेश थी, इसलिए हमने उसे भी आधा आधा करके सोचा कि हम खा लेंगे अभी। तो ऑरेंज, अनार और सूजी भी था, सूजी का हलवा बचा हुआ था, तो उन सबको हमने सोचा कि आज हम ब्रेकफास्ट पे ले लेते हैं। तो फिर मैंने फिर से कुछ अनार छील दिए। वैसे अच्छा ही था, क्योंकि सुबह सुबह से हैवी थोड़ा नहीं हो पाता है, कभी कभी लाइट ही आप खा लो तो बेटर रहता है। तो मैंने सारे फ्रूट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लिए, और अब हम चले ब्रेकफास्ट के लिए। हम दोनों ने देखिए इतना सा ब्रेकफास्ट कर लिया। बहुत हैवी नहीं खाना है, क्योंकि इससे भी क्लास में नींद आती है। अगर आपको ये भी जानना है कि आप क्लास में नींद कैसे अपनी भगा सकते हैं, क्लास में आप कैसे नींद आपको ना आए, तो भी आप मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। क्योंकि ये मेरी टेस्टेड चीज़ें हैं जो मैंने खुद पर टेस्ट की हैं। मुझे भी नींद आती थी। आई एम नॉट एन एनिमल, मैं कोई एलियन नहीं हूँ जिसको क्लासरूम में नींद नहीं आती। और मैंने पहले ही बताया कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी आती है। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स करती हूँ, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। एंड आई एम रेडी टू गो आउट फॉर क्लासेस। तो अब हम चली हमारी सीढ़ियों के सहारे अपनी क्लासेस के लिए। स्टेयर्स थोड़े गंदे हो रखे हैं, आप देख सकते हैं, बट करेंगे साफ किसी दिन। आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी वह वाला ब्लॉग। तो चलिए चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। और अब मैं निकल चुकी हूँ, धूप काफ़ी हो रखी है। मैंने आपको बताया ही था कि ऑलमोस्ट समर आ चुका है, तो स्कार्फ मैंने लगा ही लिया, सन प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हमने दिए एनिमल को थोड़ा खाने को। कल मंडे था, तो मंडे फास्ट से हमारे पास बच जाती हैं चीज़ें, तो हम वो एनिमल्स को देते हैं। देखो कितने प्यार से खा रही थी। और पेड़ों की हालत देखिए, थोड़े झड़ने लगे हैं पत्ते, बट स्टिल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अब मुझे ही देख लूँ, जा रहे हैं हम। तो फिर हमारे जाते टाइम ऑलमोस्ट गलियाँ सूनी रहती हैं, बिकॉज बहुत सुबह है ना, तो इस टाइम ज़्यादातर लोगों की नींद नहीं खुली होती है, तो इतना चहल पहल नहीं होता है। और फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपनी कोचिंग। अब मैं आपको ब्रेक में दिखाऊँगी, क्योंकि अब शूट करना मुश्किल है। अब हमारा ब्रेक, एक क्लासेस हो चुकी हैं GS की, अब सेकंड है सोशियोलॉजी क्लास। मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही हूँ, तो अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना।
उसके बाद ब्रेक में सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था Q&A सेशन होता है और सर Q&A सेशन ज़रूर लेते हैं और ये ज़रूरी भी है, और ख़ासकर जब आपके सब्जेक्ट से ऐसे हो, GS के सब्जेक्ट में तो बहुत ज़्यादा ही आपको Q&A सेशन के लिए अटेंटिव होना पड़ता है, एक्टिव होना पड़ता है। उसके बाद भाई सब याद करते करते सब उसी चीज़ में बिजी थे कि थोड़ी चीज़ें आप पढ़ लो ताकि आपका माइंड भी थोड़ा खुल जाए इस चीज़ के लिए कि आपको आंसर्स देना है। सी माई रूममेट वो भी पढ़ने में लगी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे सब पढ़ रहे हैं तो तुम ब्लॉग बना रही हो, थोड़ा करना पड़ता है आपके लिए। और फाइनली हमको मिल गया हमारा मेंस पेपर। तो गाइस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे मेंस पेपर के मार्क्स जो मैंने फर्स्ट टाइम सोशियोलॉजी में दिलाए हैं। कई गलतियां हैं तो देख रहे हैं 47 out of 19 मुझे मिला है, बहुत ही गंदा है बोला जाए तो, लेकिन सर ने कहा फर्स्ट टाइम है तो इट्स ओके। और हिंदी मीडियम से है, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ पर मैं इसको हिंदी मीडियम से पढ़ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मेरा डिसएडवांटेज है। उसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद अब चले हम घर, तो ऑलमोस्ट इस टाइम तक हम पंचर हो चुके रहते हैं, भूख भी लगी होती है, बट जाके हमको खाना भी बनाना होता है। तो इसका आफ्टर वाला अगर आपको रूटीन मेरा देखना है तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इस टाइम तक हम काफ़ी पंचर हो चुके रहते हैं तो सिर्फ मुझे बिस्तर दिखाई देता है, तो पहले तो जाके मैं सारे स्काफ बैग वैग रखने के बाद थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा आपके सामने स्टाइल मार लेती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एंड तक तो प्लीज़ लाइक करना एंड सपोर्ट मी और मुझे मोटिवेट करना ताकि मैं और भी अच्छे से पढ़ाई कर सकूं और भी अच्छे वीडियोस आपके सामने ला सकूं। तो थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे नेक्स्ट व्लॉग भी आपको मिले। तो बाय, और तब तक के लिए गुड बाय एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।